हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ ओम की रंगोली। और इसमें हम एक छोटी सी रंगोली बनाएंगे जिस पर हम गुलाब की पत्तियों से ओम बनाएंगे। हाँ, वो एक जैसे बड़ा थाल होता है उसका साइज रखा हुआ है और मैं इनको चपटा किए जा रहा हूँ। जो पत्तियाँ जो खराब हो जाती हैं, और आपको इसको आराम आराम से एक सर्कुलर शेप देनी है, राउंड शेप, जैसे कि एक परफेक्ट शेप आ जाए। और जो इसमें जो बीच में जगह जो बचे तो उसको भी फिल करना है। और अगर आपको लगे कि अभी और पत्तियाँ जो भी कर रही है तो आप और पत्तियाँ ऐड करें इसमें। और जैसे अगर आपको लगे कि हाँ सही चपटा हो गया है तो फिर आप इसको एक बार जरूर चेक कर लेंगे कहीं बीच में होल नहीं। जैसे अभी मैं जैसे बना रहा हूँ तो यहाँ पे होल बीच बचे हैं बीच में। और देखो एक साइड थोड़ा सा ये जो खराब हो गया है, थोड़ा सा सर्कुलर से नहीं है, तो इसको भी आप जैसे ठीक कर लेना। इसमें साइड में बैठे हो तो मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि ऊपर से कैमरा लगा हुआ था और उसे मैं देख नहीं पा रहा था। तो अभी जैसे मैंने ये कर दिया और अब मैं ये होल बीच में आ गए हैं, इनको मैं फिल कर रहा हूँ और पत्तियाँ नहीं कर रही। या फिर आप यहाँ से भी पत्तियाँ उठा के कर सकते हैं जहाँ पे ज़्यादा पत्तियाँ हैं, क्योंकि हम हर जगह एक जैसी पत्तियाँ तो रख नहीं पाते हैं, कई जगह ज़्यादा रह जाती हैं पत्तियाँ, तो वहाँ से भी उठा के आप इनको दूसरी जगह रख सकते हैं, जिससे ये अच्छी शेप आएगी और बीच में जो होल है तो ही फिल होंगे और इससे फिर ये अच्छा ही सर्कुलर टाइप में दिखेगा। और अभी इसको करने के बाद अब फिर हम गुलाब की पत्तियाँ लगाना शुरू करेंगे। तो ये जो है रेडी हो गया है सर्कल, एक सर्कल में। और अभी हम इसमें पत्तियाँ लगाना शुरू करते हैं। और जो गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं मैं लगा रहा हूँ। अभी मैं इसको जो इनका गुलाब की पत्तियों का मुंह है इसको मैं एक लाइन में लेकर जा रहा हूँ पत्तियों, जबकि इनको मैं इस सर्कल की तरफ नहीं कर रहा। अगर इसी तरफ करेंगे तो हमें सारी पत्तियाँ एक साइज की रहेंगी की जरूरत होगी। और अभी मेरे पास जैसे एक साइज की पत्तियाँ नहीं थी तो कुछ छोटी बड़ी रह जाती है, तो इसलिए मैंने इनको एक लाइन का शेप दिया है। और इनको आपने ध्यान से रखना है बिल्कुल एक दूसरे को टच करते हुए, ताकि एक अच्छी सी जैसे एक माला होती है मोती की वैसे दिखे। तो मैं इनको बिल्कुल ध्यान से एक एक करके लगा रहा हूँ इसमें। और सारी पत्तियों का ध्यान रखें कि साइज हो सके तो एक जैसा ही हो, और ना हो तो फिर इनमें जो डिफरेंस है साइज में वो ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर छोटी बड़ी पत्तियाँ लगाएंगी तो वो अच्छी नहीं दिखती है, एक उनकी रेगुलर शेप नहीं आती है। चलिए तो मैं अभी इनको जल्दी जल्दी से सारी पत्तियों को रख लेता हूँ। अभी मैंने पत्तियां जो है रख ली है और अब हम बनाएंगे ओम। ओम में हम पहला जो एक पत्ती रखेंगे वो सेंटर से थोड़ी सी साइड में रखेंगे, कि हम यहाँ से ओम बनाना शुरू करेंगे। जो ऊपर का जो आधे सी टाइप का जो होता है वो ऊपर का हम पहले बनाएंगे, क्योंकि इसको हमें थोड़ा छोटा बनाना है। क्योंकि जो नीचे से जो सी टाइप का जो बनाएंगे तो नीचे वाला हिस्सा वो ज़्यादा थोड़ा सा बड़ा होता है ऊपर वाले हिस्से से। तो पहले मैंने ऊपर का हिस्सा बनाया है, इसको थोड़ा छोटा बनाया है, ताकि इसे जो बड़ा है वो नीचे बनाए ना सके। कि अगर हम इसी को बड़ा बना देंगे तो फिर नीचे वाला तो इससे बाहर ही हो जाएगा, क्योंकि वो तो इससे बड़ा बनाना है। तो इसको इसमें भी मैं पत्तियों को लाइन में रख के जा रहा हूँ। और ऊपर हमें ध्यान भी रखना है कि जो तुम चांद भी बनाते हैं इसके ऊपर उसकी भी जगह छोड़ के चलनी है ऊपर वाले में। अभी मैं नीचे वाला जैसे लगा रहा हूँ तो इसको थोड़ी सी बड़ी शेप दी है ऊपर वाले से, और इसको आगे तक बढ़ा रहे हैं क्योंकि आगे इसको थोड़ा
छोटा सा एक सर्कल एक राउंड शेप में भी लेके जाना है, जो किनारा है अभी देखिए अभी ये बन रहा है, और इसको भी सर्कल है आगे वाला छोटा सा, इसको जहाँ पे जो हमने पहले पंखुड़ी रखी थी उसके बिल्कुल सामने तक लेके जाना है, तभी हमारा ओम अच्छा बनता है। और अभी हम एक जो पीछे का फेस है थोड़ी सी ये रहती है, अभी ये पत्तियों को भी मैं रख रहा हूँ एक एक करके, इनको एक एक करके ध्यान से रखना है कि फूलों के ऊपर ये अच्छे रखी जाए, क्योंकि टिकती नहीं है इधर उधर हो जाती है फूलों के ऊपर, क्योंकि ये पत्तियाँ नीचे भी तो फूलों की पत्तियाँ लगी हुई है, इसलिए इनको एक एक करके ध्यान से रखें। अभी हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं नीचे तक, और इसमें भी थोड़ा सा राउंड शेप इसको भी थी, और इसकी जो नीचे से जो है उसको लूप नहीं बनाना है, लूप से इसको छोड़ देना है इतना ही, थोड़ा सा इसमें घुमा दे के, और देखिए मैंने इसमें इतना सही कर दिया है। और अभी हम जो है चांद रहेंगे, चांद रहने के लिए हम अभी ऊपर शुरू करेंगे ये पत्तियों को रखना एक एक पत्तियां करके, वो इसको थोड़ा सा टेढ़ा करना है और इसको बिल्कुल टच नहीं होने देना है, थोड़ा सा इसको दूर रखना है, और इसकी सही पहलू इतना सा बनाना है कि ये इसमें जो सर्कल है पूरा बड़ा बड़ा लगे सर्कल में जो ओम है, कि ऐसे लगे कि ये पूरे इस सर्कल में फिट हो गया है, क्योंकि ये ओम भी जो रंगोली है ये काफी अच्छी करके आएगी, और अब आप इसका साइनमेटिक तो देख सकते हैं।